हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। क्या आपके घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है? आपके घुटनों से लेके अपने पैरों तक आपको इतना दर्द महसूस होता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है? बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि जैसे ही हम बैठ कर उठते हैं तो हमारे घुटनों में, हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते। तो घुटनों के इस दर्द के कारण जो है ना, हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जैसे कि सीढ़ियों पर हम नहीं चढ़ पाते, वॉक हम तेजी से नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कुछ एक कर पाते हैं जो कि हमारे नीज के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको करने में हम जो है ना बिल्कुल भी कैपेबल नहीं रहते हैं। तो घुटनों का दर्द ही इतना भयंकर होता है दोस्तों कि किसी भी काम को करने में हमारी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि हम उसको ईजिली कर पाएं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, घुटनों में कई बार ना ग्रीस कम होने लगती है, कार्डियल घुसने लगते हैं, तब भी घुटनों में दर्द रहने लगता है। घुटनों की ग्रीस को बरकरार रखने के लिए आपको जो है अखरोट गिरी डेली खानी चाहिए। अखरोट की जो गिरियां होती हैं उसको 4 से 5 रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसको चबाकर खाइए। अखरोट के अंदर ग्रीस इतनी मात्रा में होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है वो आपके घुटनों की ग्रीस को बनाता है। नेचुरल तरीके से अगर आपकी बॉडी में ग्रीस बनेगी तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और एक अखरोट खाएंगे आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो चलो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ डेली कंज्यूम करनी है जिसको कंज्यूम करने से धीरे धीरे आपके घुटनों का दर्द कम होने लगेगा, घुटनों से पेन कम होने लगेगी। आप 1 महीना उसे खाओगे तब आप कहोगे कि मुझे इतना ज्यादा फर्क है, 2 महीने खाओगे। कुछ लोगों को 1 महीने के अंदर ही गुड रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को 2 महीने भी लग सकते हैं। बट आप ये मत भूलिए कि आपके घुटनों का दर्द कितने साल पुराना है, ठीक है? तो बड़े पेशेंस के साथ इसको फॉलो कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको एक नेचुरल आयुर्वेदिक यानी कि औषधि चाहिए जिसको हम गोंद सियार कहते हैं। इसको काला गोंद भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसानी से आपको जो है ना इसकी शॉप से मिल जाएगा, पंसारी की शॉप से। पंसारी की शॉप पर जहां पर जड़ी बूटियां आपको मिलती है ना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं, वहां से आपको ये काला गोंद यानी कि गोंद सियाह मिल जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल औषधि है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है हमारे शरीर के लिए। चाहे आपकी कमर में दर्द है, आपकी टांगों में दर्द है, शरीर में एनर्जी नहीं रही है, तो गोंद सियार बहुत ही बढ़िया काम करती है आपके घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए और आपको अंदर से ऊर्जा देने के लिए। बस बहुत से लोगों को गोंद सियार का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। गोंद सियाह बहुत बढ़िया होता है। आपको ना बस लेने का तरीका पता होना चाहिए। आपने केवल इसका आधा ग्राम की क्वांटिटी आपने मॉर्निंग में खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ लेना है, और आधा ही ग्राम आपने रात के खाना खाने के बाद यानी कि डिनर के बाद 1 गिलास पानी या फिर 1 गिलास दूध के साथ इसको कंज्यूम करना है। तरीका सिर्फ यही है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है सूखा खाने की कोशिश ना कीजिएगा, इसको ऐसे ही चबाने की कोशिश मत कीजिएगा। पानी या दूध का सेवन इसके लिए बेस्ट है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना फायदेमंद हो सकता है आपकी ओवरऑल इंटरनल हेल्थ के लिए। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इसको शेयर करना तो बनता ही है। वीडियो को लाइक दीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।